नमस्कार न्यूज 18 महानगर को स्वागत करतमान संपूर्ण खबर आज सन्धार हेब केन्द्र मंत्रिमंडल संप्रसारण मोदी सरकार द्वितीय पाढ़ी प्रथम थर पर कैबिनेट संप्रसारण मिलता सूचना अनुसार कैबिनेट अधिक महिला और युव सांसद को स्थान मिलपे ओबीसी और महिला सांसद को मंत्रिमंडल सामिल करने चर्चा जोर धरी तेज जो एथर मंत्री हे चर्चा होती अधिकांश दिल्ली में पहुंची सारे मध्यप्रदेश वरिष्ठ बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला महाराष्ट्र वरिष्ठ नेता नारायण राणे दिल्ली में पहुंचा बेले अपना दल अनुप्रिया पटेल को दिल्ली में डकरा मिली सेपरी रीता बहुगुणा जोशी पिलभीट सांसद वरुण गांधी बालिया राज्यसभा सांसद सकलदीप राजवीर आगरा सांसद एसपी सिंह बाघेले नाम को नहीं चर्चा जोर धरी बिहार एलपीजी नेता पशुपति कुमार पारस केन्द्र मंत्रिमंडल सामिल होवार संभावना रही व्यतीत बिहार पूर्वतन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राजीव रंजन सिंह औरफ ललन सिंह आरसीपी सिंह रामनाथ ठाकुर चंद्रशेखर प्रसाद रजवंशी क्षमा करी चंद्रवंशी दिलेश्वर कामत संतोष सवान समेत अनेक नेता नाम जेडीयू कोटार आलोचना होती पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व तृणमूल कांग्रेस सारी बीजेपी में जोग देता दिनेश त्रिवेदी को बड़ दायित्व मिलपे ओडिशा राज्यसभा को निर्वाचित होता अश्विनी वैष्णव केन्द्र मंत्रिमंडल सामिल होवार जथेष संभावना रही महाराष्ट्र सांसद प्रीतम मुंडे पंकज चौधरी और दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी को चर्चा सामिल होती यहां पूर्व आज दिन 11 कैबिनेट बैठक बसुच घोषणा है जेई मेन तृतीय चतुर्थ पर्याय परीक्षा तारीख आसंत जुलाई 20-25 तारीख पर्यंत जेई मेन तृतीय पर्याय हम से 27 जुलाई अगस्ट 2 पर्यंत हम चतुर्थ पर्याय जेई मेन एप्रिल मे मस सर्वभारतीय इंजीनियरिंग प्रवेशिक परीक्षा जेमेन कोरोना स्थगित रही आज केन्द्र शिक्षामंत्री परीक्षा नहीं घोषणा करते सेभरी परीक्षा पर आवेदन करुवा छात्र छात्री आज रात आवेदन करने सुजोग पारे आज रात 8 तारिख राति 12 पर्यंत एनटीए साइट पंजीकरण करें से छात्र छात्री निज सुविधा अनुजाई केन्द्र चयन करें सीबीएस नुआ फर्माट वर्षक दुईथर हम बोर्ड परीक्षा एवं निष्पत्ति छात्र छात्री स्वागत करने सहित आश्वस्त होती परीक्षा संपूर्ण बातिल होगा अपेक्षा दुईथर परीक्षा लेवल से नवंबर में हाबकु प्रथम पर्याय बोर्ड परीक्षा पर आरंभ होती पाठपढ़ा बोर्ड परीक्षा उभय दशम द्वादश श्रेणी वर्षक दुईथर बोर्ड परीक्षा करने को निष्पत्ति सीबीएसई नवेम्बर डिसेंबर मध्य प्रथम बोर्ड परीक्षा और फेब्रुवरी और मार्च मास मध्य द्वितीय बोर्ड परीक्षा हो उभय परीक्षा में 50% नंबर परीक्षा हो नवेम्बर मसरे केवल ऑब्जेक्टिव बा एमसीक्यू प्रश्नपत्र परीक्षा हो स्थित भल थे ऑफलाइन परीक्षा कर स्कूल से स्वतंत्र ऑब्जर्वर रहिबे नचे ऑनलाइन परीक्षा हो सेभली प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रखा स्कूल गुड़ निर्देश देती सीबीएसई जहां को केंद्र करी आवश्यक स्थल मार्क दिया कोरोना महामारी समय परीक्षा को सहज और सरलीकरण करने फाइनल पर मार्क देवार व्यवस्था करने उद्देश्य एभली नियम लागू होती जहाद्वारा स्कूल कर्तृपक्ष एक निष्कर्ष पाई वर्तमान पाठपढ़ार दिग कौन रही सीबीएसई जो नोटिफिकेशन बाहर कर पूरा सिलेबस को दि भाग में विभक्त कर प्रथम टर्म 50 भाग द्वितीय टर्म 50 भाग ओडिशा रे आमर जो क्लाइमेट अदर थिंग जदि सिचुएशन एमती रहिला ताले आमे नवंबर डिसेंबर रे एग्जामिनेशन नेबू फास्ट टर्म रे तेणु नवंबर डिसेंबर रे आमे एग्जामिनेशन नेबू फास्ट टर्म रो एवं मार्च अप्रैल नेबू सेकंड टर्म रो दाउत रे से माने जून रे जून 15 रे से माने स्कूल खोलन से तांकर नवंबर रे हबो आ आमर आगे हि जीव त आमर आगे जो हबो ऑब्जेक्टिव टाइप हि होउची तो ऑब्जेक्टिव टाइप टा जदि भी जा भी स्कूल रे करिया को इच्छा जदि स्कूल रे हबो तले गुटे ऑब्जर्वर आसवे सीबीएसई रे ऑब्जर्वर आसवे नले आसी के हम देखि के हमर गुटे खबर चलित वर्ष कोरोना भयावहत को लक्ष्य रखी बोर्ड परीक्षा बातिल करा दैतिला जहां द्वारा छात्र छात्री अनेक क्षति सोइतिले एपरी कि अनेक राज्य रे आदम परीक्षा होने थवारु विगत वर्ष परीक्षा को आधार करी मूल्यांकन करबा को पड़तिला एणु चलित वर्ष शिक्षा आरंभ रो एभली निष्पत्ति नैछि सीबीएसई ते प्रथम रे एभली निष्पत्ति को स्वागत करछन्ति अभिभावक छात्र छात्री भी परीक्षा को नै बेस उत्साहित थबा कहछन्ति मतलब जेंदी एटा गोटे करेक्ट डिसीजन टे आउ सीबीएसई
ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକର ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଡିସିଜନଟା ନେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିଜନଟେ, କାହିଁକି ଇଭନ୍ ଦୋ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନଟା କେବେ ବି ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୋପ୍ଅପ୍ କରିପାରିବନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ବି ହେଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ କରିକୁଲମରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି କି ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଆଉ ଟର୍ମ ଟୁ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଏକାଠି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରେସର ଟିକେ କମିଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଥରକ ବେଶୀ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଆଉ କେସ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ CBSE ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ସର୍କୁଲାରଟା ଜଲ୍ଦି ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁମାନେ 2022ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, 50% ନଭେମ୍ବର ଏବେ ଦେଇଦେବେ ପରୀକ୍ଷା, ନେକ୍ସଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଆଉ 50% ସିଲେବସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଲା। ଏବେ ନଜର ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଉପରେ, CBSE ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେବ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ ସହିତ ନିରୁପମ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ରବିବାର ଓ ଛୁଟିଦିନ ବ୍ୟତୀତ ସବୁଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବାନି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତକାଲିଠୁ କଲେଜରେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ଓ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 50% କର୍ମଚାରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବାକୁ ଥିବା UG ଓ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଗରୁ ଆମର ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ରେଭେନ୍ସାରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳ ଭାବେ କରିଥିଲୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ କଲେଜ ଆସି କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 50% କର୍ମଚାରୀରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କଲେଜ ଆସି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସ୍ନାତକ ଶେଷ ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ପହଞ୍ଚି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଆମର କମନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆଜିଠୁ ଆମର ବି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ସେଟା କରିବେ ଆଉ। ଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ 6th semester ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଇଜିଅର୍ ୱେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ କଲେଜ ଆସିବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲେଜ ଆସି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନାହିଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବା ହେତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିକି କାମ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ରହିବ। କଟକରୁ ନବେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଲଣା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ଜଗତପୁର କନିବାଟି ନିକଟ କେନାଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ନାଁ ରମେଶ ଭାଇ, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରମେଶ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି କେନାଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲେ। ସକାଳୁ କେନାଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ସହିତ କେନାଲର ପୋଲ ଉପରେ ରକ୍ତଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ନବେଶ ମହାନ୍ତି। ନବେଶ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ପୋଲିସ ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅମୀୟ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ
सडन प्रोभोकेशन बा हठात आक्रमण प्रति आक्रमण हत्याकांड होपे कारण पोल उपर जो रक्त दाग पड़ी सेठ मृतदेह पड़ स्थान पखापाखि दूरता जी कह छु आठ फुट गभर पा से तौक पड़ी तेणु अनुमान आशंका स्थानीय बासिंदा करेतु विलंबित राति घटना ये तेणु विलंबित राति में बोधे कौन निर्दिष्ट कारण को नहीं कौन व्यक्ति सहित बचसा होगड़ा होक्रमण प्रति आक्रमण होतीपुर जिते बड़े रमेश को आक्रमण करने चेताशून हो जाती तले पड़ जापर दुर्वृत्त मैंने केनाल पा को फिंगिक चली जाती आशंका करेणु बर्तमान पुलिस इनभेटिगेसन आरंभ कर सन्धानी कुकुर साइंटिफिक टीम घटनास्थल को आणु मोटामोटी कहीपर हत्याकांड भाई पुलिस को लगुच स्थानीय बासिंदा यहाँ एक हत्याकांड कहते या पचर क्यों मान अच्छा क्यों समय बास्तविक घटना घटे और निर्दिष्ट क्यों कारण घटना घटी तार बर्तमान कहे तदंत पर पूरा तथ्य सामना को आसपार नवीश बड़ कथ रही पुलिस तदंत हुए तथ्य किसी दे न पारे प्रतिक्रिया नद पारिवारिक स्थित जहाँ आप आकलन करते ते पर लोके कौन अभोग कर देखो पर लोकों सहित जहां आलोचना करते पत्नी सहित से स्पष्ट गोटे गोटे कथा कहते विलंबित राति अर्थात राति पाखापाखि तीनटा बेलू से केनाल उपरू आसते और घर को फेरी किंतु पुणी केत केनाल को आसे और घटना घटला से बाबद से अज्ञात कहते कारण आज भोर भोर ही जिते बड़े केनाल आखपाख अंचल लोक बुलाबूली करने को आसे केनाल उपर रक्त दाग और केनाल तले मृतदेह पड़ता देखी लोक सन्देह है और पोल तल को देखा बेलू मृतदेह केनाल में भासुला तेणु निहाती भावे गोटे कह सडन प्रोभोकेशन रु घटना घटी थी पारे पुलिस आशंका यह रोचे कि तदंत पर स्पष्ट वास्तविक निर्दिष्ट भाव क्यों कारण पुलिस तदन आरंभ हो पारिवारिक स्थित जहाँ भी कहूँ और स्थानीय लोक हत्या कहुची कि तदंत पर चित्र स्पष्ट हे बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त तथ्य नवीश प्रेम प्रतिहिंसा और हत्या भुवनेश्वर भीमटांगी प्रियंका प्रियदर्शन साहू हत्याकांड पचर लुचिचे पड़े छाती थर कहानी प्रियंका को हत्या पूर्व कुनीपो को हत्या प्लान करते अभियुक्त जगन्नाथ तापर निजे आत्महत्या करने को करते योजना प्राथमिक तदंतर यह जघन्य हत्यार खुलासा कर कमिशन पुलिस जबत सुइसाइड नोट और मोबाइल शेष व्हाट्स मेसेज अनुधान कर टेक्निकाल टीम गठन करने डीसीपी कहते सेपटे पोस्टमर्टम पर प्रियंका मृतदेह को पठाई दीजिए शासकर जाजपुर महम्मदपुर गांव को प्राथमिक तदंतर आमे जानिछु जे महिला एवं से पुरुष परस्पर को जानिथिले एवं कोनोसी कारणवशत तांको मध्ये से पुरुष प्रतिशत परायण हो जाइथिले एवं प्री प्लानिंग सुनियोजित ढंग रे एटा करथिले तांकर जो प्लान करथिले से प्रथमे छोटो छुआटी को मारथांदे तापर महिला को मारथांदे एवं तापर आत्महत्या करथांदे खोलुची भुवनेश्वर भीमटांगी प्रियंका हत्याकांड पछरे लुचिथिबा प्रेम प्रतिशोधर रक्ताक्त पृष्ठा प्रियंका और तांको तीनी वर्षर शिशुपुत्र को हत्या करिबा पई सुचिंतित योजना करथिले अभियुक्त जगन्नाथ प्रधान सुइसाइड नोट व्हाट्सएप मेसेज सह प्राथमिक तदंतरु जहार खुलासा करिछि कमिशनरेट पुलिस वर्तमान सुनंतु प्रियंकांक सह जगन्नाथंक प्रेम संपर्क रे केउठी पडिथिला भट्टा ओ केमिति जानिथिबे तिजे जो से झियर बाहर नहबा पूर्वर तार माने थिला संपर्क तार पुटे हे जाइथिला तापर पुओ हेला परे भी से झियो फेर फोन कला ता ये केबे करी नै त से जगन्नाथ राणा करी कहिथिला मो मुटे हाथ देकिनी मते थरे कहिथिला पुलिस रो प्राथमिक तदंत ओ परिवार लोकंक बयान रो एक कथा स्पष्ट हेउछि जे प्रियंका ओ जगन्नाथ क मध्ये रे दीर्घ वर्ष रो थिला प्रेम संपर्क प्रियंकांक विवाह सह जे संपर्क रे पडिथिला पूर्ण छेद बंगालुरु रो एक घरै कंपनी रे चाकरी करथुबा जगन्नाथ लॉकडाउन जको वर्षे हेबो घर को पळै आसीथिले किंतु कबर नैथिबा पुरणा प्रेम को किए देइथिले जीवन्यास आउ काहे कि प्रेम रो पिसाच पलटि गले जगन्नाथ ताकु नै बढिछि सस्पेंस बंद कोठरी रे प्रियंकांक हत्या करथिबा जगन्नाथ ही एहि जघन्य कांडर रहस्य खोलि परि जड़े अलरेडी मृत्युवरण कर सारी आज जड़े हस्पिटाल अच्छा तेणु जी हस्पिटाल अच्छा विशेष पचरा उचरा कलापर ही जाइ दिग प्रति आम आलोकपात कर
हत्याकांड स्थल भीमटांगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भड़ा घरे साइंटिफिक टीम सह अधिक तदंत करिछि कमिश्नरेट पुलिस। सेपटे पोस्टमार्टम परे प्रियंका मृतदेह को सासुघर जाजपुर जिला कुआखिया बहादलपुर पंचायत महम्मदपुर गाँव को पठाई दि जाइला। शव पहुंचा पर कांद बोवाड़ी में फाटी पड़ा पूरा परिवेश। स्वामी राकेश प्रियंका बाप घर लोके भी सामिल होते शवाधार में एक दुखद अंतर सामना कर लोक कहते अभियुक्त को फाँसी खुंटे झुलाई दि जाऊ। झील आम ससुर आठ दिन हम जा सोमवार सोमवार आम झील को सी हत्या कर दंडा दबा कथा दिखा पुलिस पाखरे सुइसाइड नोट और व्हाट्सएप मेसेज। हत्या आत्महत्या पाई जगन्नाथ नहीं विष बोतल और छुरी भी सीज करी पुलिस। भीमटांगी भड़ाघर मर्डर स्पॉट रे फिजिकल इन्वेस्टिगेशन परे प्रियंका पैतृक घर धर्मशाला बंधटीह सासुघर महम्मदपुर और जगन्नाथ गाँ चारका बड़मंगलपुर सरजमीन तदंत कर कमिशनरेट पुलिस स्पेशल टीम। जाजपुर सुजित मल्लिक और भुवनेश्वर कैमेरामैन आशीष दास सुमंत सुंदर राय न्यूज 18 ओडिया। वैक दरमा दाबी धारण में श्रमिक राउरकेल पारिश्रमिक धारण में 60 श्रमिक महामारी समय दुई पैसा रोजगार करने काम करते हैं छु सात मास पारिश्रमिक न मिलवा चिंतार विषय। पारिश्रमिक हल्लाबल कोरोना काल में जीवन को बाजी लगे करम टा नद श्रमिक खेलु ठिका संस्था। राउरकेला सहर मेगा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपानी पानी टांगी पाइप संजोग काम नहीं सेथिरे काम करथिले प्राय 60 श्रमिक। राजगांगपुर कंसेबल लाइन और राउरकेला सरोज कार्यालय रही पानी पाइप कम श्रमिक मान दिन राति एक करथवा बळे एबे झाळुवा टंका दबा को नाराज ठिका संस्था फल बैक टंका दाबी रे धारणा देथिले श्रमिक। मो जे कंट्रेक्टर अछंती से जेमती हेले भी हमकु हप्ता 500,000 सेटा दउची सेटा रे हमें घर चोडउचे हम छोट छोट छुआ पिला अछंती हम घर भाड़ा रे देकिना हमें रहउचु। दरमा बाबद कंपानी कर्तृपक्ष सहित आलोचना करते अस्थायी कंट्राक्टर हेले कौन सुफल मिललानी। महामारी समय दुई पैसा रोजगार करने कष्टर हो पड़ता बेले श्रमिकों पारिश्रमिक न मिलवा चिंतार विषय पलटि। श्रम विभाग अधिकारी कहवा कथा लिखित अभियोग आसिले तदंत कर कार्यानुषान फेब्रुआरी अभियोग पाइला परे आमे अनुसंधान करिवो। मोर निज लोक मोर मोर आत्मीय टू भी एमाने अधिक एमानकु नेकी मु तो एमानकर पेमेंट मते पेमेंट देले मु तो एमानको पेमेंट करिवि मते पेमेंट आज की 6 मास रानी पेमेंट करिना ये लेबर मानु पैसा देबी केमति पाखा पाखी 50 रु 60 श्रमिक माने काम करथिया बेले तांको बकेया दरमा संपूर्ण संस्थार मालिक कौन पदक्षेप नौकर समस्त नजर। राउरकेलु शुभम प्रधान न्यूज 18 ओडिया। मंथर गति से चली ब्रह्मपुर स्टेडियम नवीकरण कार्य अवधि सरला सरुनी कम जहाँ क्रीड़ाविद मैंने असंतोष प्रकाश करते बीएमसी कमिशनर कहते आन मस भर कम सर सरिला अवधि हेले सरुनी काम मंथर गति रे चली ब्रह्मपुर स्टेडियम रो नवीकरण काम निर्माण रो दुई वर्ष परे भी एजाए सरिलानी अधा काम नवीकरण काम चली स्टेडियम रे खेलाड़ी माने अभ्यास करी पारु नाहंती अन्य स्थान को जाई क्रीड़ाविद माने अभ्यास करिबा व्यय सापेक्ष हेउछि। तुरंत स्टेडियम काम शेष करा जाई एहाकु कार्यक्षम करा गले क्रीड़ाविद माने उपकृत होई पारंते। जदि कार्य स्पीड होता है बहुत भल होता है जेहतु आम ब्रह्मपुर सहर पे बाहर जा शिखुंट से जो असुविधा हो असुविधा नई कि सब पिला सुविधा होता है स्टेडियम टाइम टे बड़ कर बास्केटबल हो कि भलिबल हो से भितर हम बोली कितु गोटे दुखर कथा बर्तमान जो भाया स्टेडियम कम चली बहुत डेरी हम
आम गंजाम जिला क्रीडाबित माने खेलिया पे गोडी गोटे भल ग्राउंड नै 37 कोटी 99 लाख टंका ब्यरे चली छि ब्रह्मपुर स्टेडियम रो नवीकरण क्रिकेट पिच ठु आरंभ करी इंडोर हॉल सबकु नुआ रूप दिया जाउ छि उन्नत मानर क्रिकेट पड़िया और पैविलियन सह अन्यान्य निर्माण बाबदरे 8 कोटी 85 लाख टंका 9 कोटी 81 लाख टंका रे बहुमुखी इंडोर हॉल स्विमिंग पूल और बर्ज्यवस्तु परिचालना पाई 9 कोटी 67 लाख टंका रा अनुदान मिलिछि एक घरोई ठिका संस्था को यहार निर्माण कार्य दिया जायथिबा बेले 2021 जनवरी शेष सुधा शेष करबा पई लक्ष्य रखा जायथिला किंतु अवधि शेष होई आहुरी 5 मास बीती गलाणी हेले निर्माण कार्य रे अहेतुक विलंब हेउची बारंबार नक्सा बदली बारे लागिछि नुआ नक्सा रे पडियार आकार बढिबा बदल रे कमी जायछि जाहाकु नै क्रीडाबित माने असंतोष प्रकाश करिछन्ति सेपडे आउ 3 मास मध्ये रे स्टेडियम रो कार्य संपूर्ण हेबो बोली कहिछन्ति बीएमसी कमिश्नर करा जाउछि कि नेक्स्ट एक 2.5 मंथ भीतर काम में सब जगह सरबा 30 करोड़ से अराउंड सेटअप प्रोजेक्ट अछि तो से हिसाब रे काम चलै छि स्टेडियम रो कार्य शेष हेबा परे दक्षिण ओडिसा रो क्रीडाविद माने स्टेडियम को आसी तालीम अभ्यास करि पारिबे ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 उड़िया भुवनेश्वर बिजु पटनायक विमानबंदर नूतन निर्देशक भाव जोगदेले प्रभात रंजन बेउरिया दायित्व नवापर गणमाध्यम को प्रतिक्रिया से कहते अनेक विकासमूलक नवीकरण कम बाकी अच्छी त्वरान्वित अनेक प्रकल्प आंतर्जातिक विमान सेवा वृद्धि करने अनेक आलोचना चली कोरोना सब अटक रही पुरी में हाबकु नूतन विमानबंदर बाबदे प्रतिक्रिया रखिंट राज्य में जिते अधिक विमानबंदर हे अर्थनीति और पर्यटन विकास घट कार्यकारी एपीडी अच्छा चार्ज होगा देखी स्टडी करी कर निश्चय मत भी खुशी लगुच निज स्टेट को आसपाई सो आम आगु बहुत कम करोर पोस्टिंग भी थिला एटी आउ मु भी डेपुटेसन में थी ब्रह्मपुर जो एनएचआई रे थी से आम फोर लेन रोड भी करशार डेवलपमेंट जो लैंड एक्विजिशन झारसुगुड़ा हस्पिटल मुझे से सब सहित आम जो बैकलग कम अच्छे शीघ्र करूँ शीघ्र सारे तब ऑपरेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी पे जो जो कावड़ा जिनस अच्छे तार फास्ट प्रायोरिटी हम लोग आसुचु आयोग लघुचाप आसंता 11 तारीख आड़क पश्चिम केन्द्र और यार आखपाख उत्तर पश्चिम बंगोसागर तथा उत्तर आंध्रप्रदेश दक्षिण ओडिशा निकट एक लघुचाप बल सृष्टि हो पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् पूर्व अनुमान यार प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य 20 जिला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगत सिंहपुर खोर्धा नयगढ़ पुरी गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध कंधमाल रायगढ़ कोरापुट और मलकानगिरी बिजुली घरघड़ी सह प्रबल बर्षार संभावना रही एसबू जिला येलो आलर्ट जारी कर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र 1 जून 6 जुलाई सुधा ओडिशा 222.5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराई जहांकि स्वाभाविक वर्षा ठू 19% कम रही 15 जिले में नियंत्रित वर्षा 14 जिले में स्वाभाविक वर्षा गोटे जिले में स्वाभाविक ठू अधिक वर्षा रेकर्ड करा जाई छी अभी हमारा जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है इसमें अगला 24 आवर्स में भी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी नहीं होगा कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ हल्का से मध्यम बारिश ही रहेगा फिर कल से 7 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज करने का चांसेस है अगला 5 दिन का अंदर नेक्स्ट 24 आवर्स में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ ही कुछ कुछ स्थानों पर रहेगा चकमा देखे शहीदनगर एक मोबाइल दुकान 140,000 टंकार मोबाइल नहीं जाने युवती शेषर चोरी स्वीकार कले और मोबाइल किणी पैसा दे आज दिन 11:30 बेले शहीदनगर सेल्स और सेवे नामक एक मोबाइल दुकान जड़े युवती आसी एक आईफोन देखा कही मोबाइल बिल बापा पिके साह नाम बिल करने बिल देवाई एटीएम कार्ड खराब होता आड़ देखा घर को डाक नहीं अधा बाटर गाड़ी में तेल पकवा बाहन सेल्समैन को तेल आने को पठाइ छू मारी प्राय 6 घंटार तनाघना पर युवती को थाना को आनी पचराउचरा कर मामला रफा देवा पर युवती जनक चोरी कर मोबाइल टंका दे मोबाइल किनी सूचना मिली खड़ी कुनी रथ कंधमाल जिलार एन प्रतीश कुमार चौधरी खड़ी क्षुद्र रथ या चर्चा को आड़ी पथर से या रथर उच्चता 2.2 सेमिटर होता बेल यार ओसार रही 1.8 सेमिटर यह सबुठ छोट रथ भी कहु छोट बेलू प्रतीशर चित्रकला प्रति दुर्बलता रही से फुलवाणी पब्लिक स्कूल दशम और केन्द्रीय विद्यालय युक्त दे पास करते ब्रह्मपुर खलिकोट सरकारी महाविद्यालय आर्ट एंड क्राफ्ट विभाग
ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଭାବେ ସ୍ନାତକର ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ନିଜର କଳାକୃତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଦୁଇଥର ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ବି ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଖୋଦିତ କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଭଳି କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ବାପା ମା ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରଥଟେ ବନେଇଛି, ତାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 2.2 cm ଆଉ ୱିଥ୍ ହେଉଛି 1.8 cm। ଆଉ ଏତେ ଛୋଟିଆ ରଥ ବନେଇବା ପରେ ବି ସେ ରଥଟା କ'ଣ ହେଉଛି କି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଖଡ଼ି ପଥରରେ ବନେଇକି ରଥଟି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ରଥଟି କୁନି ରଥଟି ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 2.2 cm ଆଉ ତାର ଓସାର ହେଉଛି 1.8 cm, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ କୁନି ରଥଟିଏ। ଆଉ ମୋ ରଥଟିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ସେ ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲିଂ ଅଛି ଯାହା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱର ଛୋଟ ରଥ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଟା ମୁଭ୍ ବି କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲ କରିବ, ତାର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ପିଲାବେଳୁ ସିଏ ଚିତ୍ରରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟିନ୍ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟିନ୍ ଓ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଟ୍ଅପ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7। ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସର ପ୍ରାୟୋଜକ।